बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने GIC को डिटेल से पढ़ा था, ग्लास आयनोमर सीमेंट्स क्या होते हैं, उसकी कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो उसके अंदर ये था कि वो लो स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज में यूज़ करते हैं, हाई स्ट्रेंथ नहीं होती उनकी, उनका मॉइस्चर सेंसिटिव होती हैं वो, और इस तरह की प्रॉपर्टीज उनकी एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी थी, एस्थेटिकली वो बहुत अच्छे थे, टूथ कलर थे और केमिकली सेल्फ एडिसिव प्रॉपर्टीज भी थी टूथ के साथ। उसके बाद हमने GIC के अंदर मॉडिफिकेशन तीन की, डेंटल मटेरियल्स के अंदर एक तो मेटल रीइंफोर्स बनाया, रेजिन मॉडिफाइड GIC बनाया और कॉम्पोमर, मतलब उसको कंपोजिट के साथ ऐड किया, तो इनकी प्रॉपर्टीज मिलके एक अच्छी प्रॉपर्टीज वाला GIC हमें मिल गया। कन्वेंशनल GIC को हमने कुछ ऐसी चीजों के अंदर ऐड किया या उसके अंदर ऐड की जिससे हमें डिजायरेबल प्रॉपर्टीज मिल गई। जैसे मेटल रीइंफोर्स GIC में हमने क्या किया कि मेटल्स के अलॉयज हमने उसके अंदर ऐड किया जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, लेकिन कुछ इनकी वजह से साइड इफेक्ट्स भी आए हमें। चले बढ़ते हैं मेटल रीइंफोर्स में। सबसे पहले क्या है कि ब्रिटलनेस, हमारा जो कन्वेंशनल GIC था वो ब्रिटल था, तो इससे उसकी ब्रिटलनेस कम हो गई और अब्रेसिवनेस प्रॉपर्टीज भी थी GIC की, वो अब्रेड हो जाता था, उसकी सरफेस अब्रेजन होती थी, लेकिन जैसे हमने मेटल उसके अंदर अलॉयज डाले तो उसकी अब्रेजन रेजिस्टेंस बढ़ गई। और टाइप इसके अंदर क्या है, सीमेंट, सिरामिक, ग्लास प्लस मेटल, मतलब उसी तरह क्या होगा कि कैल्शियम फ्लोरो एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास पाउडर डालेंगे और पॉलीक्रिलिक एसिड डालेंगे और उसके अंदर हम सिल्वर और ये पार्टिकल्स मेटल अलॉयज के पार्टिकल्स हम सिल्टरिंग प्रोसेस जो कि उसके पार्टिकल्स को हाई टेम्परेचर पे हम लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूज करते हैं। जब उसका मेटल टेम्परेचर पहुंच जाता है तो एटॉमिक लेवल पे एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, एक प्योर एलॉय बन जाता है, तो उसके अंदर ऐड करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि ड्रॉबैक्स, ग्रेश कलर आ जाता है, पहले वो एस्थेटिकली बिल्कुल टूथ कलर के साथ था, लेकिन चूंकि हमने सिल्वर जैसे मेटल्स ऐड किए हैं तो उसका थोड़ा कलर होता है जो वो ग्रे कलर हो जाता है। और रिलीज ऑफ फ्लोराइड डिक्रीज ओवर टाइम, मतलब कि आपका जो फ्लोराइड कंटेंट जो रिलीज होता था जिसकी वजह से एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी थी, आपकी जो कैविटी उसको कैरीज नहीं लग रही थी, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी फ्लोराइड रिलीज कम हो जाता है क्योंकि अब उसके अंदर मेटल्स आ चुके हैं। उसके बाद आपका एसिड बेस रिएक्शन लेस एक्सटेंसिव हो जाता है और जो एप्लीकेशन है यूज फॉर कोर बिल्डअप ऑफ टीथ, कोर बिल्डअप के लिए हम यूज करते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, और रिस्टोरेशन ऑफ क्लास 2 कैविटीज इन डिसीड्यूस टीथ, डिसीड्यूस टीथ में हम क्लास 2 कैविटीज के लिए भी इसको यूज करते हैं। उसके बाद हमारे रेजिन मॉडिफाइड GIC आते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि हमारे रेजिन ऐड हो जाएंगे, एक तो कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोरोसिलिकेट जो कि मेन कंपोजिशन थी पाउडर की कन्वेंशनल GIC के अंदर, उसके अंदर हम ऐड करेंगे रेजिन, मतलब जो लाइट प्योर विजिबल होंगे, इनके अंदर पॉलीमराइजेशन भी होगी, इसलिए इसके अंदर हाइब्रिड इसको आयनोमर लिखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर दो मिलकर एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। चलिए देखते हैं, अवेलेबल इन पाउडर लिक्विड सिस्टम उसी तरह जिस तरह बाकी सब होते हैं, और इनकैप्सुलेटेड मतलब प्री वॉल्यूम ऐड किए जाते हैं और कैप्सूल की फॉर्म में आते हैं जाके आप इजीली उनको यूज कर सकें। मिक्सिंग एक्टिवेटेड बाय विजिबल लाइट, केमिकल्स और बोथ। अभी इनके अंदर ट्राई, इनको रेजिन मॉडिफाइड को ट्राई को प्योर सीमेंट्स भी कहते हैं, कैसे उनको मैं अभी बताता हूँ आपको कि पाउडर होता है और लिक्विड होता है। आयन लीचेबल कैल्शियम फ्लोरो एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास विद इनिशिएटर्स जो कि कैम्फर क्यूनिन है। कैम्फर क्यूनिन हमने एज इनिशिएटर कंपोजिट्स के अंदर भी पढ़ा था कि जैसे ही हम लाइट एक्सपोजर करते हैं तो उसके अंदर कैम्फर क्यूनिन की वजह से इनिशिएटर होता है तो वो सेट होना शुरू हो जाता है, तो इसके अंदर भी ऐसी है, लाइट क्योरिंग के अंदर कैम्फर क्यूनिन के अंदर इनिशिएशन होना शुरू हो जाती है। नॉन रिएक्टिव फिलर पार्टिकल्स ऐड किए जाते हैं दैट लेंथन्स द वर्किंग टाइम, इंप्रूव्स अर्ली स्ट्रेंथ एंड डिक्रीज मॉइस्चर सेंसिटिविटी, जो कि GIC के अंदर पहले इसका डिसएडवांटेज यही था कि मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, तो इसके अंदर मॉइस्चर सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। और लिक्विड के अंदर हमारा पॉलीक्रिलिक एसिड था और प्लस हमने डाई मेथाक्रिलेट इन एक्वो सॉल्यूशन में ऐड किया, मेथाक्रिलेट हाइड्रोक्सी इथाइल मेथाक्रिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे क्योंकि इसके अंदर वाटर है, वाटर है, मेथाक्रिलेट कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी इथाइल मेथाक्रिलेट में। और सेकंड रिएक्शन कैसे होता है, तीन किस्म के रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होता है, सिंपल वाटर और लिक्विड ऐड होता है और रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, सेटिंग रिएक्शन, दैट इज एसिड बेस रिएक्शन, और फिर वो सबसे पहले स्टार्ट होता है और वो चलता रहता है, कंटिन्यू करता है और खत्म वो लेटर होता है। उसके दरमियान में हमारा लाइट क्योर जो 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 कैम्फर क्यूनिन वाला है ये दूसरा क्योर करते हैं दो, और तीसरा पॉलीमराइजेशन जो कि हमने रेजिन यहाँ पे ऐड किया है उसकी पॉलीमराइज, उसके मोनोमर्स गेट्स क्लोजर टुगेदर और फिर उसकी पॉलीमराइजेशन होती है, मेथाक्रिलेट हमारा प्राइमरी सेट होता है और हाइड्रोक्सी इथाइल मेथाक्रिलेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी प्राइमरी सेट के बाद इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, कैविटी लाइनर्स बेस के तौर पे यूज करते हैं, मलगम के नीचे सीमेंटेशन ऑफ प्रोस्टी से जितने भी हमारे डेंटल ब्रैकेट्स हैं, इनलेस ऑनलेस वगैरह, उनके सीमेंटिंग के लिए यूज होती है, रिस्टोरेटिंग मटेरियल के तौर पे यूज होता है, और पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स, फ्लूडिटी ज्यादा होती है और पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स के तौर पे यूज होता है, कोर बिल्डअप, और एक इसका डिसएडवांटेज है कि श्रिंकेज कॉज करता है क्योंकि इसके अंदर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है रेजिन्स की वजह से, तो इसके अंदर श्रिंकेज देखने में आई है। उसके बाद तीसरा जो तीसरी मॉडिफिकेशन जो GIC के अंदर है दैट इज पोली अमाइड पोली एसिड
तीसरी मॉडिफिकेशन इसके अंदर पॉली एसिड मॉडिफाइड रेजिन कंपोजिट, जिसको कॉम्पोमर भी कहते हैं, मतलब कंपोजिट और जीआईसी को मिला के उसकी प्रॉपर्टीज हमारे जीआईसी में आएगी। स्ट्रक्चरली एंड फिजिकली इट रिजेंबल्स कंपोजिट्स, और फ्लोराइड रिलीजिंग प्रॉपर्टी तो तीनों में होती है क्योंकि जीआईसी तीनों में और फ्लोराइड आयन तीनों में रिलीज हो रहा है, एंटीजेनिक सारी शो करेगा। उसके बाद कंपोजिशन के अंदर इसके वन पीस लाइट क्योरेबल मटीरियल होता है, क्योंकि कंपोजिट है ही लाइट क्योरेबल। हमारे पास जो हम ऐड कर रहे हैं कैफर क्यूनिन वाला सेलेनाइज सिलिका पार्टिकल्स, सेलेनाइज फ्लोरो एल्युमिनो सिलिकेट ग्लास पार्टिकल्स। हमारा अगर कंपोजिट के अंदर आप देखें तो मेनली तीन हमारे कंपोनेंट्स थे कंपोजिट के, एक हमारा फिलर था, दूसरा हमारा मैट्रिक्स रेजिन्स था, और तीसरा इन दोनों को जोड़ने वाला हमारे पास कपलिंग एजेंट था। तो यहाँ पे हमारे पास कपलिंग एजेंट की एग्जांपल दी हुई है, दैट इज साइलेन सेलेनाइज सिलिका पार्टिकल्स और पॉली एसिड मॉडिफाइड मोनोमर विदाउट वाटर। जो ये ब्रिज जी एम ए यू डी एम में ये लिखे हुए हैं, ये पॉली एसिड मॉडिफाइड मोनोमर्स हैं एंड पॉली एक्रिलिक एसिड एज अ रेजिन मैट्रिक्स। सेटिंग एक्शन इसके अंदर क्या होता है कि इनिशियली फोटो पॉलीमराइजेशन होती है जो कि कंपोजिट की है। कंपोजिट के अंदर इनिशियली सेटिंग एक्शन इसके अंदर फोटो पॉलीमराइजेशन है और लेटर इट अंडरगोज एसिड बेस रिएक्शन ड्यूरिंग सर्विस लाइफ ऑफ रिस्टोरेशन कॉजेज रिलीज ऑफ फ्लोराइड लेस देन जीआईसी एंड रेजिन मॉडिफाइड जीआईसी। उन दोनों के निस्बत इसके अंदर फ्लोराइड आयन कम रिलीज होते हैं, कैरियोजेनिक प्रॉपर्टीज एंटी कैरियोजेनिक इतनी अच्छी नहीं आती, और एप्लीकेशन रिस्टोरेशन ऑफ लो स्ट्रेस बेयरिंग एरियाज, सीमेंटेशन ऑफ ल्यूटिंग प्रोसेसेस। और दैट वाज ऑल अबाउट कॉम्पोमर। इसके बाद मैं जितनी भी मॉडिफिकेशन है जीआईसी की वहाँ उसका एक मैंने रिलेशनशिप बना के ग्राफ बनाया हुआ है, उनके कंपैरिजन में मैं वो ऐड कर दूंगा और आप लोग अच्छी तरह उसको देख लीजिएगा। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ मॉइस्चर सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ किसकी सबसे अच्छी है, एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी किसकी सबसे अच्छी है, उसकी कंपैरिजन में मैं ये ग्राफ दे दूंगा और आप अच्छी तरह उसको देख के स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू।